Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. My name is Ishan and you are watching my YouTube channel Learn English with British. जैसा कि आपको पता ही है, हम इस चैनल पे रोज एक नया लेसन सीखते हैं इंग्लिश के बारे में, और वैसे ही न्यू लेसन मैं आपके साथ रोज लाता रहता हूँ, और उसी तरीके से आज भी एक नया लेसन के साथ आया हुआ हूँ गाइस. सो जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, जो लेसन का नाम है गिविंग द डायरेक्शन. ओके गाइस, तो जैसे कि आपको पता ही है, पिछले लेसन में आपको मैंने बताया हुआ था आस्किंग अबाउट द डायरेक्शन, हम किसी से डायरेक्शन कैसे पूछ सकते हैं. बट इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा गिविंग द डायरेक्शन, हम लोगों को डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं. अक्सर लोग हमसे डायरेक्शन के बारे में पूछते भी हैं, और तो हम उनको कैसे हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप यहां से सीधे जाइए, आगे से लेफ्ट लीजिए, उसके बाद एक सर्कल पड़ेगा. तो ये सारी चीजें हिंदी में तो हम बोल देते हैं, बट इंग्लिश में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे हम उस चीज को सीखेंगे. सो प्लीज गाइस, इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच इट. तो जैसे कि आपको दिख भी रहा है गिविंग द डायरेक्शन, हम कैसे किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं इफ somebody asks us अबाउट द डायरेक्शन, राइट. तो देर आर सम फ्रेजेस, देर आर सम सेंटेंसेस विच आई कैन टेल यू रिगार्डिंग द डायरेक्शंस, हम कैसे किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं. जिसमें पहला सेंटेंस है आपके, पहला सेंटेंस है, लेट्स सपोज हम किसी को बताना है कि आप यहां से सीधे जाइए, तो कैसे हम बोलेंगे, गो स्ट्रेट ऑन, या अब स्ट्रीट का नाम ले सकते हैं, दिस स्ट्रीट, राइट. अगर मुझे किसी को कहना है कि ये जो रास्ता है यहां से आप सीधे चले जाइए, तो कैसे बोलेंगे, गो स्ट्रेट ऑन दिस स्ट्रीट, राइट, गो स्ट्रेट ऑन दिस स्ट्रीट. नेक्स्ट, लेट्स सपोज अगर उस रास्ते पे वो जाता है, उसके बाद एक टर्न उसको लेना है, लेट्स सपोज हमने बोलना है उसको कि आगे से आप राइट चले जाइएगा या लेफ्ट चले जाइएगा, जो भी है, तो कैसे बोलेंगे, टर्न लेफ्ट, अदरवाइज टर्न राइट, राइट. नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आपके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके, वो है टेक द फर्स्ट टर्निंग टू द लेफ्ट और राइट. लेट्स सपोज वो इंसान वहां पहुंच जाता है, उसके बाद उसको एक टर्न लेना है, तो हम उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, वही सेंटेंस है, टेक द फर्स्ट टर्न टू द लेफ्ट और राइट, टेक द फर्स्ट टर्न टू द लेफ्ट और राइट. आगे से जो टर्न पड़ेगा वहां से आप राइट लेफ्ट चले जाइएगा या राइट चले जाइएगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपके गो पास द रेस्टोरेंट स्कूल और होटल, एनीथिंग, कोई भी चीज है. लेट्स सपोज आपको बताना है किसी को कि आगे जो रेस्टोरेंट पढ़ने वाला है या आगे जो होटल पढ़ने वाला है, तो उसके आगे आपको ये डायरेक्शन मिलेगा. लाइक मैं किसी होटल में जा रहा हूं या किसी मैं स्कूल में जा रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मुझे उसको बताना है गो पास द रेस्टोरेंट, पास मतलब है आगे जो रेस्टोरेंट पढ़ने वाला है, ये जो एड्रेस आप मुझसे पूछ रहे हैं ये रेस्टोरेंट के बाद में है या स्कूल के बाद में है या होटल के बाद में है, तो कैसे बोलेंगे, गो पास्ट मतलब रेस्टोरेंट के आगे, गो पास्ट द रेस्टोरेंट और स्कूल और होटल, राइट. लास्ट सेंटेंस जो है आपका वो है, लाइक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखा हुआ है, किसी भी चीज के बारे में आप पूछ सकते हो. लेट्स सपोज मैंने कहा होटल मुझे जाना है, राइट, अब मुझे होटल जाना है, तो मैं कैसे बोलूंगा किसी को, तो The hotel is beside. अब beside मतलब बगल में, जब हम बोलते हैं किसी को, मैंने कहा कि जो होटल है वो आपके बगल में है या किसी चीज के सामने है, सामने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ, राइट, बगल में beside यूज करेंगे, सामने इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे, या के बाद नेक्स्ट टू, मतलब आगे एक दुकान पड़ेगी उसके बाद नेक्स्ट टू द शॉप, नेक्स्ट टू द होटल, नेक्स्ट टू द रेस्टोरेंट, राइट. तो कैसे इसको यूज करेंगे, द होटल इज बिसाइड द रेस्टोरेंट, द होटल इज बिसाइड द शॉप, या द होटल इज इन फ्रंट ऑफ द शॉप, या द होटल इज नेक्स्ट टू द शॉप, राइट. आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किसी को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट, गिविंग द डायरेक्शन. तो मैंने यहां से सारी चीजें मैंने बता दी है, दोबारा से मैं इसको बता देता हूं. द फर्स्ट वन बोलना है गो स्ट्रेट ऑन दिस स्ट्रीट, या एनीथिंग इफ यू वांट यू कैन यूज टर्न लेफ्ट और राइट. नेक्स्ट, टेक द फर्स्ट टर्न टू द लेफ्ट और राइट. नेक्स्ट, गो पास द रेस्टोरेंट स्कूल या होटल. ओके गाइस, द होटल इज बिसाइड इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट टू एनीथिंग लाइक लेट्स सपोज शॉप, जो आपके होटल है वो शॉप के बगल में है, सामने है, उसके बाद है, या किस चीज के बाद है, उसका हम डायरेक्शन दे सकते हैं. लेट्स सपोज द होटल इज बिसाइड द शॉप, इन फ्रंट ऑफ द शॉप,
या नेक्स्ट टू द शॉप। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इसी तरीके से और भी लेसन आपको जानने हैं तो यहाँ पे सारे लाइक लिंक्स आ रहे हैं, इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक आउट दीज लिंक्स। गुड बाय गाइज।